नाइस टू मीट यू। तो यहाँ 350 रुपये यानी 1,00,000 वियतनामीज में मिलता है एक ऑरेंज। गाइस जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो आपको लग रहा होगा दुबई या सिंगापुर में हूँ मैं, बट हाँ मैं वियतनाम में हनोई में। तो यहाँ तक आने में मेरा खर्चा लगा वो है 100 रुपये आना जाना, यहाँ आने के 3,000 रुपये लग सकते थे आपके, बट हम सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा चेकआउट डे 2 इन वियतनाम और आज हम जा रहे हैं कुआंग फुकाउ, एक हिडन लोकेशन जहाँ मोस्ट ऑफ टूरिस्ट नहीं जाते हैं क्योंकि हमने सर्च किया है इसको इंस्टाग्राम पे और ये था हमारा होटल जहाँ हम स्टे कर रहे थे। लुक एट दिस रूम्स, और ये पड़ते हैं आपको 1200 रुपये में, तो प्राइस के हिसाब से बहुत सही है। एंड मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से बाहर का, तो ये है हनोई का नॉर्मल रूम जो आपको पड़ता है 1200 रुपये तक। सुबह डस्टबिन देखो यहाँ ऐसे दिख रहते हैं, रोड के जस्ट साइड में लगे हुए रहेंगे। पानी का रेट पड़ता है आपको 35 रुपये जो कि यहाँ की करेंसी में होते हैं 10,000 वियतनामीज। तो जो 35 रुपये का बोतल है इट्स ओनली 500 ml जो अपने वहाँ 10 रुपये का मिलता है, तो आप सोच सकते हो 3.5 टाइम्स महंगा है पानी। बट इसका एक जुगाड़ है कि आप बड़ा वाला बोतल ले लो 5 लीटर वाला, तो थोड़ा आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, बट स्टिल इट्स टू कॉस्टली। और अभी हम जा रहे हैं कुआंग फुकाउ जो कि एक विलेज है, सुपर ब्यूटीफुल कलरफुल और ऑफ बीट जहाँ मोस्ट ऑफ टूरिस्ट नहीं जाते हैं, और हमने इसे एक्सप्लोर किया है इंस्टाग्राम पे, अज्जू ने बताई थी ये रील। तो भाई जाएंगे देखेंगे कैसा है नज़ारे। ड्रोन हमारा ख़राब हो गया, नहीं तो मैं आपको ड्रोन व्यूज़ दिखाता उस प्लेस के, बट कोई नहीं और भी वियतनाम बाकी है, 16 दिन और चीज़ें दिखाएंगे। स्ट्रीट फूड में मोस्टली यहाँ चलती है ब्रेड जिसमें मीट लगा के देते हैं। बनाना नियत यार, हम केले लेने आए थे पर केले हैं नहीं इनके पास, फ्रूट्स काफ़ी सारे हैं। हाउ मच ऑरेंज, हाउ मच थाउजेंड, कितना मतलब 1,00,000 बोल रही है, 350 का एक वन पीस, वन 10,000 एक देखें, 10,000 देख के देखें, 35 रुपये का ये दिस, ओ 3,50,000 का एक, वेट वेट। तो यहाँ 350 रुपये यानी 1,00,000 वियतनामीज में मिलता है एक ऑरेंज। सो आई गेस हम ड्रॉप करेंगे, अज्जू लेना है आपको नहीं सो गाइस यार मैंने थाईलैंड एक्सप्लोर किया था, वहाँ काफ़ी सस्ते फ्रूट्स थे, बट यहाँ 350 रुपये का एक संतरा, कैन यू इमेजिन, इट्स लाइक USA वाला रेट रखा हुआ है, या तो हमें फॉरेनर समझ के वो लूट रहे हैं। और अज्जू भाई दिखते भी ऐसे बिल्कुल अमीरों वाले कपड़े पहन के आते हैं, मेरे देखो सीधे साधे अपने हिमाचली कपड़े पहने हुए हैं। नो दैट वन, ये पक्के हुए हैं वैसे अच्छे होते हैं। हाउ मच मनी मनी सो गाइस केलों की रेट पूछ रहे हैं हम, अरे वाह यार सस्ता दे रही है, 30,000 हाउ मच 15,000 का ऑल सर्कल के, जिसके 1 किलोमीटर के अंदर ही 5 आउटलेट होते हैं। यहाँ आप ले सकते हो सस्ती कॉफ़ी, सस्ता दूध, एवरीथिंग जो चाहिए आपको, दही योगर्ट जो चाहिए सब मिलेगा सस्ते में। सो एक ये सोर्स हो सकता है आपका इंडियन खाना खाना चाहो तो सस्ते में ऐसे जी सकते हो। और ये रही कॉफ़ी जो हम ट्राई करने वाले हैं, और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, कोकोनट वाटर, बहुत सारी ड्रिंक्स ताकि काम मॉर्निंग का कम से कम काम हो जाए, और अगर आप शाम में आ रहे हो तो इधर आओ ये आपका सेक्शन। अलग अलग बियर, और बियर का रेट है सिर्फ 26,000, इट्स लाइक 15,000 से स्टार्ट हो जाती है वैसे बियर, 17,000 की बियर, 17,000 बोले तो 55 रुपये में आपको बियर मिलती है यहाँ।
ओके लेस आइस। सो गाइस अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हो तो बेस्ट प्लेस है वियतनाम, क्योंकि यहाँ जितनी भी कॉफ़ी शॉप्स हैं, एक तो यहाँ बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं और जितनी भी हैं सब बीन्स को क्रश करके स्पेशली कॉफ़ी बनाते हैं, और कॉफ़ी का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। इट्स लाइक 60 रुपीज़ तक आपको सर्कल 11 पे मिल जाएगी कॉफ़ी, एंड क्वालिटी सो गुड। बस आप ये ध्यान रखो, ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा डालते हैं ग्लास में, सो आस्क देम टू पुट लेस आइस मोर मिल्क मोर कॉफ़ी। सो गाइज अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो वियतनाम में या किसी भी कंट्री में, सो जैसे मुझे लोकेशन मिले इंस्टाग्राम पे कुआंग फू काओ, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखी होगी उसकी क्लिप्स, तो उस लोकेशन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, गूगल मैप पे सर्च करते हैं वो लोकेशन, वहाँ आपको बस का साइन मिलेगा, क्योंकि आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो बस में जाओगे तो उसके नीचे आपको पूरी डायरेक्शन मिली होती है कि आपको इतना वॉक करना है, वहाँ बस स्टॉप है, बस स्टॉप से ये बस आपको यहाँ तक ले जाएगी, फिर आपको वहाँ से इतनी वॉक करनी है, वो फॉलो करो डायरेक्शन, एंड उसके बाद अगली बस आपको डायरेक्ट वहाँ छोड़ देगी। तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अदर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो घबराना नहीं है, सर्च करना है कि कहाँ से हमको बस मिलेगी, कितनी दूर जाएगी, और हमेशा गूगल ट्रांसलेट अपने साथ रखो ताकि आप कन्वर्ट करके किसी से भी कन्वर्सेशन कर पाओ। तो लैंग्वेज बैरियर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना हम समझते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांसलेटर है सब सॉर्टेड है। और मैं हूँ फ़िलहाल बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट पे, यहाँ काफ़ी सारे कैफ़े बने हुए हैं और यहाँ ऐसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं। 2 हाउ मच 14। तो ये था बस टिकट और हमने लिए बस यहाँ से जिस लोकेशन के लिए जाना था। अच्छे खासे बस स्टॉप बने हुए हैं, देखो कितना प्यारा बस स्टॉप है। यहाँ के बस स्टॉप देख के बहुत ही हैरान हूँ मैं, हमारी बस आ गई है तो अभी हम बस में एंटर करने वाले हैं, एंड दिस बस इज़ सो गुड। सो गाइस फुआंग पू काओ के लिए हमें लेनी होती है BRT 01, जो अभी हमने ली थी बस। इसके बाद हमें चेंज करना है बस स्टेशन है बैन से येन नगिया, इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए कि कौन सा रूट है ये वाला और कौन कौन सी बस आपको लेनी होती है। तो इस रूट के लिए है BRT 01, एंड उसके बाद आपको लेनी है 91 नंबर बस, जो आपको छोड़ देगी डोई ड्रेन कुआ हैंग शेंग दाओ कुआंग फू। बहुत लंबा नाम है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। और दूसरा वे था यहाँ आने के लिए, आपको 27 किलोमीटर की कैब करनी पड़ती, जो पड़ती है आपको इंडियन रुपीज़ में 3 to 4,000 टू वेज, आना जाना आपको 4,000 पड़ता, जो कि आई थिंक वर्थ नहीं है। बजट ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बस से ही ट्रैवल करना चाहिए, एंड ये है कुछ इस तरह की बस। सो गाइस कुछ इस तरह का होता है यहाँ का टिकट, सेम लाइक मेट्रो, हमारी मेट्रो चलती है जैसी वैसा ही है। अभी शायद हमें इंसर्ट करना होगा तो एग्ज़िट हो जाएगा हमारा, सो इट्स एग्ज़िट। अब हमें बस चेंज करनी है, आई गेस इट्स 91, लेट्स चेक कौन सी बस से हमें जाना है। शिनचाओ ओके। तो यहाँ तक आने में मेरा खर्चा लगा वो है 100 रुपये, आना जाना टू वेज, क्योंकि हम आए बस से और बस का रूट मैंने आपको समझा ही दिया था कि आपको कहाँ से कहाँ तक की बस लेनी है। तो हम जा रहे हैं कुआंग फू काओ, जो कि सुपर लोकेशन है, यहाँ आने के 3,000 रुपये लग सकते थे आपके, बट हम बचा रहे हैं, बजट ट्रैवलर हैं तो आप भी ऐसे ट्रिप कर सकते हो सिर्फ 100 रुपये में। एक ब्यूटीफुल लोकेशन, हम स्टे कर रहे हैं हॉस्टल में, इको हॉस्टल 2, जिसका हमें चार्ज लगा 500 रुपीज़, 500 + 100 = 600 रुपये पर डे, एंड इसके अलावा हम खाने का घर से लेके आए, तो आप स्पेंड कर सकते हो 800 से 1,000 रुपये पर डे इन वियतनाम। तो अगर आप रुकते हो वियतनाम में 5 दिन तो आपका खर्चा आएगा 5,000 रुपये, फ़्लाइट आना जाना होती है 15,000 रुपये, तो अच्छी खासी ट्रिप आप कर सकते हो सिर्फ 25,000 के अंदर, 20 से 25,000 में वियतनाम इंटरनेशनल ट्रैवल।
सो दिस इज द बस जो हमें लेके जाएगी हुआंग फुकाओ। सो दोस्तों कुछ इस तरह से था इस विलेज का फर्स्ट इम्प्रेशन। यहाँ बम्बू स्टिक्स को कट करके बंडल्स बनाए जा रहे थे। ये अंकल का फेस काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो मैंने कहा क्यों ना एक पिक्चर ली जाए। फ़ोटो कुछ ऐसी थी, कमेंट करके बताना कि आपको फ़ोटोज़ कैसी लगी। यहाँ भी अपने इंडिया जैसे ही प्लास्टिक का सामान बेचने से बाइक पर आते हैं। गाइस काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, और 150 रुपये दो लोगों के लिए कितना अच्छा है कि आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो। लुक एट दिस लोकेशन, दिस कलर्स आर सो ब्यूटीफुल। और यहीं पे इनकी फार्मिंग की जा रही है, वहाँ ये प्रॉपर इन स्टिक्स को कलर कर रहे हैं, बना रहे। वियतनाम में और भी काफ़ी सारे ऑफ बीट प्लेसेस हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा जल्दी ही, बट अभी के लिए हम यहाँ के शॉट्स लेंगे और वो सिनेमेटिक कुछ इस तरह हैं। आई थिंक दे डिजर्व द मनी। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि 500 रुपये पर डे या पर पर्सन का चार्ज रखा हुआ है, इट्स ओनली 150 रुपीज़ एंड दे डिजर्व ऑल दिस मनी। लुक एट दिस प्लेस, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है भाई, क्योंकि यहाँ प्रॉपर आपको वियतनामी से स्टाइल वाले क्लोथ्स रेंट पे मिल रहे हैं, एंड वो भी कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 150 रुपये उसका रेंट है। तो आप वो भी कर सकते हो अगर आप लड़की हो तो। लड़के हो तो भाई खुद का कपड़े कुछ लेके आना पड़ेगा, बट हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम अपने कुछ भी पहन के कर लेंगे। बस ये लोकेशन यार, आई एम इन लव विद दिस प्लेस, टोटली वर्थ द मनी। सो गाइस हमें मिली है यहाँ से, व्हाट्स योर नेम? नेम ए। सो इनका नाम है ए, शॉर्ट नेम है, सिंपल नेम, और ये यहीं से हैं, इसी विलेज से, और हम यहाँ शूट करने वाले हैं। तो आगे वाले जो भी सिनेमेटिक शॉर्ट्स मिलने वाले हैं वो इनके साथ होंगे। वियतनाम की ही नेबर कंट्री लाओस की एक मिली मुझे ट्रैवलर, जिन्होंने मुझे बताया लाओस में क्या क्या घूमना चाहिए। वो कन्वर्सेशन कुछ ऐसा था। एंड हाउ मेनी डेज आई शुड टू प्लान अ ट्रिप टू लाओस? आई थिंक इफ यू वांट टू ट्रैवल आल्सो टू द साउथ व्हिच इज दे हैव अ लॉट ऑफ वाटरफॉल। ओके, इफ यू वांट टू गो मेबी 10 days फॉर लाओस। यस, द होल। ओके, to the north you can go to Vang Vien, that's mm-hmm. the most beautiful sunset. Yes. Lompopang is really nice. And also in north? Both of them in north. Yes, okay. And Pakse in the south. Pakse in the south, okay. Yeah, Pakse is a lot of waterfall, very nice. Waterfall. And in center part there are cities like Hanoi? Like, not like Hanoi, okay. Smaller. But they have like this one. And also they have party life in center. Yes, party. They have party life as well. Yes. Yes. But not cloudy as in Hanoi. Yeah. Mm. But it's good. And it's near to Thailand also? Yes, it's near to Thailand. It's okay. It's like between Thailand and Vietnam. Okay. So we are in the center. Okay. Cool. Yeah. Thank you. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. सो अच्छा समय बिताने के बाद हम इस जगह से चल दिए वापस, और हमें मिले रास्ते में कुछ बच्चे जो कि बहुत ही प्यारे थे। और फिर फाइनली हमें मिल गई बस स्टॉप से, और एक घंटे के सफ़र में हमें लगे सवा घंटा, थोड़ी सी लेट हो गया, बट फाइनली हम पहुंच गए वहीं बस स्टॉप जहां से हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, और बाहर नज़ारे कुछ ऐसे थे। सो गाइज मैं हूं अभी हनोई सेंटर पॉइंट। आज का दिन बहुत अच्छा गया, हमने विलेज कवर किया जिसका नाम था कुआंग फूक काओ, एंड जैसा आपने देखा होगा क्या कलरफुल विलेज था। एंड नाउ वी आर हेयर हनोई सिटी सेंटर, और देखो दीज बिल्डिंग्स, हाउ ब्यूटिफुल आर दीज बिल्डिंग्स। गाइस जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको लग रहा होगा दुबई या सिंगापुर में हूँ मैं, बट हम हैं वियतनाम में, हनोई में,
और ये है पीछे हनोई सिटी सेंटर। मैं हूँ BRT के पास। BRT की ये लाइन दी हुई है, यहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन है, सुपर फास्ट है बस। तो ये है सिटी सेंटर हनोई का। यहाँ आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सुंदर नज़ारे। वाओ, सो गाइज अगर आप आ रहे हो हनोई तो डोंट मिस दिस प्लेस। लैम्बोर्गिनी और सुपर कार्स की आवाज़ यहाँ सुनाई देगी आपको। सो डोंट मिस दिस प्लेस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू हनोई। सो गाइज पूरा लगेज यहाँ छोड़ के हम गए थे एक्सप्लोर करने विलेज। और आपको भी अगर आप दिन में बाहर हैं तो कहीं भी होटल में आप छोड़ सकते हैं अपना लगेज अगर आप एक दिन रुके थे वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल में चेक इन करने, अंकल ने हमारे को दे दिया है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही गाइस। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में नई जर्नी। हॉस्टल लाइफ बताऊंगा आपको क्या रेट में हॉस्टल मिलते हैं, नाइट लाइफ कैसी है हनोई में, कौन सी प्लेस बेस्ट है और क्या आपका खर्चा आता है यहाँ रुकने का और खाने पीने का। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।